और खबर उत्तर प्रदेश के बहराइच जनपद से है, जहां पर फिल्मी स्टाइल में दो विशेष समुदाय की नाबालिग किशोरियों का अपहरण करने वाले किडनैपर को बहराइच की पुलिस ने तेलंगाना में जाकर के पकड़ लिया है और उन्हें बहराइच लेकर के आई है। पिछले 11 मार्च को बहराइच के रानीपुर थाना अंतर्गत एक गांव से इम्तियाज वसीम ने दो गैर समुदाय की नाबालिग किशोरियों का अपहरण कर लिया था और उन्हें फिल्मी स्टाइल में चार पहिया वाहन में बिठाकर जबरन लेकर के भाग गए थे। चूंकि मामला दो समुदाय से जुड़ा हुआ था, इसलिए इस केस में पुलिस के भी पसीने छूट गए। पुलिस की कई टीमें लगाई गई थी, लेकिन किडनैपरों का कहीं से कुछ पता नहीं चल रहा था। वही संबंध में इनकी पत्नियों को भी जेल भेजा गया था, जिन पर आरोप था कि वे भी इस अपराध में शामिल थी। इसके बाद पुलिस ने इम्तियाज और वसीम पर 15-15 हज़ार के इनाम की घोषणा की। मामला दो अलग समुदाय से जुड़ा हुआ था, इस बाबत गांव में तनाव का माहौल भी देखा जा रहा था। पुलिस को मुखबिर और सर्विलांस से काफ़ी मदद मिली। इनका लोकेशन तेलंगाना राज्य में पाया गया। तत्काल वहां जाकर बहराइच की पुलिस ने दोनों को पकड़ा और बहराइच लेकर आई है, जहां पर विधिक कार्रवाई की जा रही है। बहराइच पुलिस की तरफ से जानकारी दी गई है कि 15-15 हज़ार के इनामी अपहरणकर्ताओं अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। बहराइच पुलिस ने दोनों अभियुक्तों को तेलंगाना राज्य के कोतापल्ली जिले से गिरफ्तार किया है। दो इनामी अभियुक्तों के पास से बहराइच पुलिस ने दोनों अपहरण की गई नाबालिग किशोरियों को सकुशल बरामद किया है और बरामद लड़कियों को कोर्ट में पेश करने के बाद वन स्टॉप सेंटर पर भेज दिया गया है। दोनों अभियुक्त ने 11 मार्च को बहराइच के रानीपुर थाना क्षेत्र के जिगनिया गांव में हिंदू समुदाय की दो नाबालिग लड़कियों को फिल्म स्टाइल में अपहरण कर लिया था। लड़कियों के परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने अपहरण का मुकदमा लिख करके तलाश शुरू कर दी थी। बहराइच पुलिस ने दोनों के ऊपर 15-15 हज़ार का इनाम भी रखा था। 17 मार्च को बहराइच की पुलिस ने दोनों अपहरणकर्ताओं इम्तियाज और छोटकों को तेलंगाना राज्य के कोतापल्ली जिले से लड़कियों के साथ में गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इस मामले में पहले ही 3 महिलाओं को जेल भेज दिया था। मामला दो समुदाय से जुड़ा हुआ था, इसलिए गांव में तनाव का माहौल था, लेकिन बहराइच पुलिस ने दोनों अपहरणकर्ताओं को पकड़ लिया है और उन्हें जेल भेजने की तैयारी कर रही है। जनपद बहराइच के थाना रानीपुर में दिनांक 12 मार्च को वादी ने सूचना दी थी कि उसकी दो अवयस्क पुत्रियों का अपहरण कर लिया गया है। इसमें तत्काल दफा 364 के अंदर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया था और अपहर्ताओं की तलाश में लगातार बहराइच पुलिस की कई टीमें लगी हुई थी। इसमें दिनांक 17 तारीख को सफलता मिली, जब ये अपहर्ताएं और दो अभियुक्त इम्तियाज रजाक और छोटकू वसीम पुत्र मुसीबत अली, ये हमें तेलंगाना में जनपद करीम नगर से हमने गिरफ्तार किया और वहाँ के जो ऑनरेबल कोर्ट था वहाँ से ट्रांजिट रिमांड पर इनको लेकर के इन दोनों अभियुक्तों को लेकर के यहाँ पर हम आए। तो इस प्रकार ये जो पूरा घटनाक्रम था, इसमें अपहर्ताओं की सकुशल बरामदगी करते हुए जो मुख्य अभियुक्त थे जिनके ऊपर 15-15 हज़ार रुपये का इनाम घोषित था, उन्हें गिरफ्तार करके बहराइच पुलिस की एक बड़ी सफलता मिली है। सर, इसमें टोटल गिरफ्तारी कितनी हुई? अभी तक इसमें टोटल हमने 5 गिरफ्तारियाँ की हैं और इसमें और भी जो भी दोषी मिल रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। क्योंकि इसमें एक समय ऐसा भी आया, क्योंकि अभी ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन है, बहुत सारे जो तथ्य हैं, बहुत सारे जो पहलू हैं, इसका खुलासा बाकी है। तो जैसे ऐसी चीज़ें सामने आएंगी हम आपके साथ शेयर करते जाएंगे।